अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी का रायता, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लौकी का रायता बनाने के लिए मैंने आधा किलो लौकी ली है और अब मैं इसको छील लूँगी और इसको छीलने के बाद इसके स्लाइसिस कर लूँगी और फिर मैं इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। मैंने लौकी को स्लाइसिस में कट किया है, आप चाहें तो छोटे छोटे पीसीस में भी कट कर सकते हैं। लौकी कट गई है, अब मैं इसको वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। अच्छा, लौकी को मैं जब तक बॉयल करूँगी कि जब तक इसका थोड़ा कलर चेंज नहीं हो जाता, यानी कि देखने से ही लगता है कि ये लौकी गल गई है। तो 10 से 15 मिनट मैं इसे बॉयल आने के बाद पकाऊँगी और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। ये देखें, बॉयल हो गई है लौकी अच्छी तरह। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया, अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, जिसे कद्दूकश कहते हैं, तो आप ग्रेट करके भी इसे बॉयल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही इसके स्लाइसेस करके इसको बॉयल किया है। अब मैं इसको मैश कर लूँगी मैशर से, क्योंकि लौकी अच्छे से गल गई है। इसको इस तरह मैश कर लेंगे और अगर आप ग्रेट करके बॉयल करेंगे तो फिर आपको मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बॉयल करके ऐसे ही इसको रायते में या दही का बना के उसमें ऐड कर लें। अब इसको हम रखेंगे साइड पे और उसके बाद अब हम दही रेडी करेंगे। 500 ग्राम यानी आधा किलो मैंने दही लिया है। इसके अंदर हाफ टी स्पून मैंने काला नमक ऐड किया है, हाफ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने पिसी हुई काली मिर्चें ऐड की हैं, भुना पिसा ज़ीरा मैंने ऐड किया है आधे टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा, 1 टी स्पून कर लें, और उसके बाद चाट मसाला ऐड किया है मैंने इसमें 1 टी स्पून, नमक ऐड करूँगी हसबे ज़रूरत। अब दही और सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इन सारे स्पाइसेस को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मेरे घर में जिस तरह खाया जाता है मैंने उतने ही हिसाब से मसाले ऐड किए हैं इसमें। अब ये रायते का दही भी रेडी हो गया है हमारा। अब मैं इसमें बॉयल और मैश की हुई लौकी ऐड करूँगी और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, उसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। पुदीना लिया है, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद, और एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, उसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इन सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स दही में ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम हल्के हाथ से। गर्मियों में सालन वगैरह खाने का तो इतना दिल नहीं चाहता, दोपहर में तो इस तरह की चीज़ें खा ली जाती हैं। अब आप चाहे इसके साथ ज़ीरे वाले राइस बॉयल कर लें या चपाती के साथ इसको खा लें तो ये बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में। मेरे यहाँ तो अक्सर दोपहर में यही बनता है, कभी बैंगन का रायता, कभी लौकी का, कभी दाल चावल, और दाल चावल के साथ भी ये ज़रूर बनता है हमारे यहाँ। अब मैं इसमें भगार करूँगी रायते में। भगार करने के लिए मैंने 4 से 5 लाल साबुत मिर्चें ली हैं, 1 बंच फ्रेश कड़ी पत्ते का लिया है वो मैंने इसमें ऐड किया है। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, और जब ज़ीरा भी हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करूँगी। इसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और ये भगार हमारा रेडी है। अब रायते पे मैं इसे डाल दूँगी भगार को, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है रायते में। ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।